बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 4। ओपन पेज नंबर 48 फॉर टुडेज लेसन। और टुडेज टॉपिक इज मैट्रिक यूनिट ऑफ वेट, डिवीजन ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। आज के अपने हम लेसन में मैट्रिक यूनिट ऑफ वेट जो किलोग्राम और ग्राम्स में और ग्राम्स और मिलीग्राम्स में गिवन है, उसके हम डिवीजन प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इसी टॉपिक के मल्टीप्लिकेशन के सम्स किए थे। ठीक है, एक पूरा कॉलम हमने कंप्लीट किया था और ये दो कॉलम मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो हम इसके आंसर्स टैली कर लेते हैं। दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस पेज। कॉलम नंबर 180 किलोग्राम्स, 225 ग्राम्स, 192 किलोग्राम्स, 060 ग्राम्स। अच्छा, यहाँ पे एक ज़ीरो मिसिंग है आपके इस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे अपनी बुक में ज़ीरो लगाने के बाद अपना सम कंप्लीट करेंगे। 60 ज़ीरो, 61 ज़ा 6 एंड 60 ज़ा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर इज 1208 किलोग्राम्स एंड 720 ग्राम्स, 1250 ग्राम्स। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये ग्राम्स और मिलीग्राम्स में हैं, तो हम इसके आंसर्स में जो यूनिट लिखेंगे वो ग्राम्स और मिलीग्राम्स में ही लिखेंगे। 1250 ग्राम्स, 700 मिलीग्राम्स। 1716 किलोग्राम्स, 252 मिलीग्राम्स। कॉलम नंबर 2, 20 किलोग्राम्स, 436 ग्राम्स, 126 किलोग्राम्स एंड 045 ग्राम्स, 864 किलोग्राम्स, 471 ग्राम्स, 376 किलोग्राम ग्राम्स में है ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर है इसका 846 ग्राम्स और 612 मिलीग्राम्स। और द लास्ट क्वेश्चन है 7080 ग्राम्स एंड 450 मिलीग्राम्स। लास्ट कॉलम 52 किलोग्राम्स, 101 ग्राम्स, 291 किलोग्राम्स, 560 ग्राम्स, 341 किलोग्राम्स एंड 250 ग्राम्स, 764 ग्राम्स एंड 460 मिलीग्राम्स, और फिर 1335 ग्राम्स और 573 मिलीग्राम्स। ठीक है, कॉलम नंबर 2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और फोर्थ जो क्वेश्चन है जो कि ग्राम्स और मिलीग्राम्स का है, इसमें भी यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास ज़ीरो मिसिंग है, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 846 ग्राम्स, 612 मिलीग्राम्स। नाउ ओपन पेज नंबर 48, जो कि हम आज अपना कंप्लीट करेंगे डिवीजन के सम्स को। किलोग्राम्स और ग्राम्स में आपको डिवीजन के सम्स गिवन है, ये सम्स हम अपनी कॉपी में करेंगे। सो टेक आउट योर कॉपी एंड नोट, राइट डाउन फर्स्ट सम ऑफ डिवीजन। नंबर 1 इज 13495। थोड़ा सा गैप आप इसको करके लिखेंगे, इसलिए कि बुक में भी आपको इसी तरह से गिवन है, जो कि 13 किलोग्राम्स में है और 495 ग्राम्स में। 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, माइनस करेंगे, 13 माइनस 12 1। ठीक है, अब ये किलोग्राम का डिवीजन में जो नंबर गिवन था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट नंबर कॉपी डाउन नीचे करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है, अगेन क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12। अब हम फिर एक बॉक्स लीव करेंगे, इसलिए कि अब हम ग्राम्स के नंबर में जो नंबर्स गिवन है डिवीजन के लिए, उनका डिवीजन करें, तो एक बॉक्स लीव कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12 माइनस 14 माइनस 2 2। ठीक है, इसके बाद 4 के बाद अब हम 9 को नीचे कॉपी डाउन कर लेंगे, 29। ठीक है, 3 9 ज़ा 27।
माइनस करेंगे, 29 माइनस 27 कर लीजिए या फिर 9 माइनस 7 कर दीजिए, एक ही बात है, 9 माइनस 7 2, ठीक है, 2 माइनस 2 5 को कॉपी डाउन कर लेंगे, 25 इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब 3 एट ज़ा 24 माइनस 25 माइनस 24 तो आपके पास यहाँ बचेगा 1, जो कि आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इस तरह से आप अपने डिवीजन सम्स को करेंगे। सम नंबर 2 कॉपी डाउन कर लेते हैं, कॉलम नंबर 1 का एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पे सेकंड सम को करने से पहले। इस तरह से कॉलम नंबर 2 का आप सम नंबर 2 कॉपी डाउन करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। पहला नंबर हमारे पास 7, 3 से डिवाइड करना है, 3 टू ज़ा 6 माइनस 7 माइनस 6 1। क्या यहाँ पे यहाँ से अब हम क्या कॉपी डाउन करेंगे, 4 जो हम इस 1 के साथ ही कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। केजी में जो नंबर आपको गिवन था 7, उसका डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसलिए अब जो हम नंबर से डिवाइड करेंगे उसको हम ग्राम्स में का लिखेंगे, 3 4 ज़ा 12 माइनस 14 माइनस 2 14 माइनस 12 4 माइनस 2 कर दीजिए या फिर पूरा 14 माइनस 12 कर लीजिए, 2 और 8 को फिर हम यहाँ से नीचे कॉपी डाउन करेंगे, 28 है, 3 9 ज़ा 27 माइनस 28 माइनस 7 कीजिए या फिर 8 माइनस 7 कीजिए, एक ही बात है, 28 माइनस 27 फिर यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा या क्रॉस लगा देंगे, 5 को कॉपी डाउन कर लेंगे नीचे। अब क्या है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन इसका कोई पूरा हो गया है, इसमें कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, 2 kg 495 ग्राम्स। इसी कॉलम का कॉलम नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, थर्टीन 385 है और इसको 11 से डिवाइड करना है, 11 वन ज़ा 11 माइनस 13 माइनस 11 2। यहाँ से अब हम 3 कॉपी डाउन करेंगे नीचे, किलोग्राम में जो नंबर गिवन था उसका हमने कर लिया डिवीजन, 11 टू ज़ा 22, ठीक है, 23 माइनस 22 या फिर 3 माइनस 2 1 आ जाएगा इधर। अब हम 8 कॉपी डाउन करेंगे, 18 है, 11 वन ज़ा 11, 11 टू करेंगे तो 11 टू ज़ा 22 हो जाएगा, जो कि फिर डिवीजन नहीं होगा उसे, इसलिए हम करें 11 वन ज़ा 11, 8 माइनस 1 7 और नीचे फिर यहाँ से 5 कॉपी डाउन कर लेंगे, 11 सिक्स ज़ा 66, 11 सेवन ज़ा इसलिए नहीं करेंगे, 11 सेवन ज़ा 77 हो जाएगा जो कि 75 से बड़ा होगा, इसलिए हम करेंगे 11 सिक्स ज़ा 66 माइनस 5 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, बोरो कर लेंगे, 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 15 माइनस 6 हमारे पास आएगा 9, 6 माइनस 6 मैंने ये 9 हमारे पास आएगा रिमाइंडर में और इसका आंसर होगा 1 kg 216 ग्राम्स। सम नंबर 4, अच्छा कॉलम नंबर 1 में सम नंबर 4 में जो है वो ग्राम्स और मिली ग्राम्स हैं, 5 से डिवीजन करना है, 8 5 0 0 का, 5 वन ज़ा 5
माइनस 8 माइनस 5 3, और यहाँ से हम 5 कॉपी डाउन करेंगे. 7 5 7 जा 35. ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. अब हमारे पास 0 है और 0 है और यहाँ पे 5 है. जब कोई नंबर हमारे पास ये दोनों नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है उसमें से रिमाइंडर बचे हैं, और हमें पता है कि अगर कोई क्वेश्चन से नीचे नंबर कॉपी डाउन होता है और वो रिमाइंडर में आता है तो हम ऊपर अपने आंसर में 0 लिखते हैं. तो हमारे पास कितने 0 यहाँ पे बचे हुए? 2 ज़ीरोस बचे हुए हैं. 5 है, डिवीजन नहीं हो सकता, इसलिए हम 2 ज़ीरोस ऊपर लगाएंगे और अपना डिवीजन का सम कंप्लीट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 ग्राम 700 मिलीग्राम्स. ठीक है, यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अंडरस्टूड है 0 5 से डिवाइड नहीं होगा. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिमाइंडर में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में 2 ज़ीरोस लगा के इस सम को कंप्लीट कर देंगे. सम नंबर 5 कॉलम नंबर 1 9350, उसको 9 से डिवाइड करना है. 9 1 9 माइनस कुछ भी नहीं बचेगा. अब हम यहाँ से 3 कॉपी डाउन कर लेंगे. ठीक है, 3 को कॉपी डाउन कर लिया. 3 है यहाँ पे हमारे पास, इसको 9 से डिवाइड करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से एक नंबर और नीचे कॉपी डाउन करना होगा. जब हम दो नंबर एक साथ नीचे कॉपी डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो हम उससे पहले अपने आंसर में एक 0 प्लेस करते हैं और फिर दूसरा नंबर नीचे लिख लेते हैं. इस तरह से ये हो गया 35. ठीक है, 9 3 27, क्योंकि 9 4 36 होता है, वो 35 से बड़ा हो जाएगा. हम करेंगे 9 3 27 माइनस 15 माइनस 7 8, और फिर यहाँ से 2 माइनस 2 नथिंग, फिर 8 0 कॉपी डाउन करेंगे, ये हो जाएगा 89. 8 ज़ा 72 माइनस 0 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, बोरो करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 10 माइनस 2 8. ठीक है, और ये डिवीजन स्टॉप हो जाएगा. यहाँ पे हमारा पे ये रिमाइंडर है, आंसर इसका होगा 1038. इस वीडियो में हमने अपना ये कॉलम नंबर कंप्लीट कर लिया है. कॉलम नंबर 2 आपका होमवर्क का है, होमवर्क का कॉलम है ये भी आप लोग अपनी कॉपी में, जिस तरह से अभी हमने कॉलम नंबर 1 किया है, इसी तरह से कॉलम नंबर 2 आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.